नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। आज दूसरा दिन में लालू प्रसाद यादव वर्चुअल तरीके से दिल्ली से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिप्स दिया कि राष्ट्रीय जनता दल की टोपी हर व्यक्ति को पहननी चाहिए। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लाल टोपी पहनते हैं, उसी प्रकार हरा टोपी कार्यकर्ताओं को पहनना चाहिए नेताओं को, और साथ ही साथ गले में हरा गमछा भी रखना अनिवार्य है। यही नहीं, अपने आप को उत्साहित करने के लिए, अपने आप के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, आम लोगों के बीच अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए टोपी और गमछा आवश्यक है नेताओं कार्यकर्ताओं का। तो इसके साथ साथ अहम बात जो है कि हर नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने घर में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगाकर रखना चाहिए। तीन टिप्स उन्होंने दिया नेताओं कार्यकर्ताओं को। झंडा लगाना अनिवार्य है, टोपी पहनना अनिवार्य है और गले में गमछा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का एक अपना पहचान है, उस पहचान को लेकर अपने मनोबल को ऊंचा रखकर यह दर्शाना है, दिखाना है, बताना है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को और पदाधिकारियों को कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का नेता और कार्यकर्ता हूँ। इस प्रकार अगर काम करते हैं तो पार्टी के साथ साथ आपकी भी छवि निखरेगी, आपको भी लोग जानेंगे और आप भी लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। लालू प्रसाद यादव ने काफ़ी देर तक नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरा और लोगों ने बड़े ही सहजतापूर्वक समझने का प्रयास किया। टोपी, झंडा और गमछा लगाए रखने का टिप्स लालू जी ने दिया और सबों ने सुना, और ऐसा मानो लगता है कि लालू जी का यह फरमान सबके दिल को छू दिया और लोग टोपी, झंडा और गमछा अवश्य लगाएंगे और पहनेंगे। देखना यह है कि कार्यकर्ता नेता अब लालू जी के फरमान को मानते हैं या नहीं। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।